दिल्ली का चर्चित श्रद्धा हत्याकांड जिसमें आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की मेहरोली में हत्या की थी। इस हत्याकांड पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। श्रद्धा की हत्या जो है, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से हत्या हुई है, और जिसने भी की है कोई भी हो, उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं, जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने ही किया है। ऐसे लोगों को अरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ और, लड़कियां तो हमारी मर रही हैं, कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से चंगुल में फंस जाती है, लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश मैं देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए, और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है, कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया के अनुसार आफताब ने जिस फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे उसी फ्रिज में खाना रखता था। जब शरीर के टुकड़े घर में थे तब दूसरी लड़की को भी घर लाता था, क्राइम शो देखता था। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक केसों में से एक है। आफताब को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।